ज्ञानवापी में सतयुग से स्वयंभू विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग मंदिर रहा है और उसे समय समय पर मुसलमानों के द्वारा जो है उन विदेशी आक्रांताओं के द्वारा समय समय पर उसे नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन 15वीं शताब्दी में जो मंदिर बनाया गया था 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से जगतगुरु नारायण भट्ट के द्वारा, उसको 1669 में फरमान जारी करके औरंगजेब बादशाह ने तोड़वा दिया था, परंतु उस पर मस्जिद बनवाने का कोई फरमान नहीं था। यह अतिक्रमण किया गया है और यह हिंदू ला के अनुसार, हिंदू कानून के अनुसार तो गलत है ही है, क्योंकि एक बार अगर कहीं मंदिर बन गया तो वह ऑलवेज मंदिर रहेगा, उसको दूसरे किसी भी धर्म के ढांचे में उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इस तरह से ये जो ढांचा है वह गलत है, अवैधानिक है और इसे हटा करके हिंदुओं को पुनः सौंपा जाना चाहिए। इस बात के लिए वह केस है। व्यास परिवार से क्या नाता है ज्ञानवापी का? व्यास परिवार के लोग इस पुराने मंदिर के पुजारी रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग जो है वो पुजारी रहे हैं जी। और सर अगर बात करें तो आप इस केस से कब से जुड़े हैं? 1991 से इस प्लान की ड्राफ्टिंग मेरे ही द्वारा की गई थी और मैं एज एडवोकेट वकील की हैसियत से पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे जी, ये तीन वादी थे। स्वयंभू विश्वेश्वर स्वयं वादी संख्या एक हैं और यह केस मैं 1991 से अधिवक्ता के रूप में करता रहा, पैरवी उसकी करता रहा, लेकिन दैवयोग से इतना समय व्यतीत होने के कारण पंडित सोमनाथ व्यास और डॉक्टर रामरंग शर्मा का निधन होने के बाद 2019 में मुझे स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर का वाद मित्र नियुक्त कर दिया गया, कोर्ट ने स्वयं नियुक्त किया। सर अगर हम बात करें कि